स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है न्यूज डॉक्यूमेंट्री। मैं हूं प्रियदर्शन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एनडीटीवी इंडिया के श्री दीपक कुमार चौबे जी। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि चर्चा का विषय न्यूज डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि अगर हम जब भी कभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस विषय पर एक मतलब पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत जानकारी हम देना चाहते हैं, आप जिसको ए टू जेड कह सकते हैं जी। तो न्यूज डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हर तरह की खबरें आती हैं एक दिन में। अगर आप जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, जो एजेंसीज हैं, तो 300-400 जो है वो मेल तो आती हैं पूरी दुनिया में। आप वो भी मतलब चाहिए तो उसको कम कहिए, लेकिन हर खबरें जो है, हर खबर का एक अपना अलग महत्व होता है और कोई जरूरी नहीं है कि वो हर तबके के लिए जरूरी हो। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो मतलब जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और वहां पर ये बात मायने नहीं रखती कि जो हमारा दर्शक वर्ग है या जो श्रोता है वो जो जानना चाह रहा है वो इंटेलेक्चुअल है या फिर आम आदमी है, किसान है, हाउसवाइफ्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। मतलब कुछ ऐसी घटना आपके आसपास हो रही है, आपके स्पेस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और अगर नहीं भी है तो ये उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम उसमें जानना चाहें। तो वैसे लोगों तक तो जाहिर है कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री जब भी बनाई जाती है तो ये मानकर बनाया जाता है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है, जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उनका मतलब जो सैंपल स्पेस है वो काफी बड़ा है, वो सबके लिए है। हम उसमें फिर ये क्लासिफाई नहीं कर सकते ये जो न्यूज डॉक्यूमेंट्री थी ये सिर्फ बच्चों के लिए थी या फिर उनके लिए थी। न्यूज का मतलब न्यूज होता है। तो ऐसे में आप जब भी न्यूज डॉक्यूमेंट्री के लिए जब आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि ठीक है, आखिर उसमें कितना पोटेंशियल कितना है। अब मान लीजिए कि कहीं पर दो ट्रक अगर आपस में भिड़ रहे हो जी, तो आप इस पर न्यूज डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते। कोई एक इवेंट, एक घटना बड़ी हो सकती है, हो सकता है कि ठीक है कोई ब्रिज हो वो टूट जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना बार बार हो रही है, पता चला कि वाकई सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन की वजह से हर हफ्ते दो ब्रिज जो है वो गिर रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, तब हो सकता है ये जो बातें हैं वो आपको खींच करके ले जाएं कि भाई बार बार हो रही है। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज ये होती है न्यूज डॉक्यूमेंट्री में कि ऐसा नहीं कि ये एक खास किसी रीजन से जो है वो जुड़ी हुई है। अगर किसी खास रीजन में ऐसी घटना होती है जिसका कि बिल्कुल नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट है, तो आप उस पर न्यूज डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। जैसे किसी एक आगजनी की घटना पर आप नहीं बना सकते, लेकिन आप याद कीजिए कलकत्ता के हॉस्पिटल में आगजनी हुई थी जी, तो वो नेशनल कंसर्न का इशू था क्योंकि वहां पर सेफ्टी जो मेजर्स लिए गए थे हॉस्पिटल में उसमें गड़बड़ी थी। तो आप उस तरह की घटना पर भी आप न्यूज डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि जिन बातों का आपको ख्याल रखना होता है न्यूज डॉक्यूमेंट्री में, वो तो यह है कि विषय का चुनाव, विषय ऐसा हो जो पब्लिक कंसर्न का हो, पब्लिक महत्व रखता हो, सब लोगों को यह है। और कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं जो होती हैं उनके पीछे बहुत सारी तकनीकी बातें होती हैं, वो आप सिर्फ जो है वो मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप सिर्फ एक घटना देख रहे हैं, उसके पीछे की बहुत सारी बातें जो है क्लियर नहीं होती। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप पिछले साल जापान में आई सुनामी को लीजिए जी, वो इतनी बड़ी मतलब वो इतना बड़ा हादसा था, एक पहले तो भूकंप आया, फिर उसके बाद सुनामी आया, फिर उसके बाद से न्यूक्लियर जो है वो हादसा हो गया, तो इतने बड़े पैमाने पर। तो ये अलग बात है कि ठीक है हम जापान में नहीं है, लेकिन जापान भी इसी धरती पर है, वहां पर इस तरह का हादसा हुआ, हमारे पास भी जो है वो 6000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, हम भी सुनामी झेल चुके हैं जी। तो ऐसी चीजों में जो आम जनता है वो चीजों को कोरिलेट करके देखती है, तो ऐसी बातों में आपको थोड़ा सा जो है उसके पीछे की बातों को भी बताना पड़ता है जो न्यूज का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो आप सिर्फ उसमें रिपोर्टिंग, खबरें ही नहीं देंगे, खबरों के पीछे की जानकारी भी देंगे, आप उन चीजों को एलेबोरेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है। मतलब कोई घटना अगर बार बार घट रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, अगर कुछ ऐसी घटना हो तो हम उसको बिल्कुल मतलब ये बार बार हो सकता है, ये हर जगह लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अब अभी अन्ना आंदोलन चल रहा है, तो कोई जरूरी है कि बार बार अन्ना आंदोलन चलेगा जी, ठीक है। वो मतलब घटना का देखा जाता है कि इसका जो असर है वो कितने दूर पर जा रहा है,
उनमें से एक क्राइटेरिया किसी घटना का बार बार होना भी है कि भाई आखिर क्या वजह है, ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जैसे आप देखिए हमारे पूर्वांचल में हर साल एक खास सीजन में वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है और इंसेफ्लाइटिस के केसेज जो है वो गोरखपुर से आने लगते हैं, वो जो पूरा इलाका है जी। तो जाहिर है कि जो ये जो खबर है उसमें पोटेंशियल है, आप उस पर जो है वो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि पोलिटिकल मान लीजिए कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई घटना हुई, अब जैसे एक आप उदाहरण ले सकते हैं FBI का मसला, तो भाई खुदरा जो दुकानदारों पर कितनी गाज गिरेगी, सरकार की क्या नीति है, वहां पर जो है वो मीडिया का रोल अहम हो जाता है जी। क्योंकि कई बात ये होती है कि जो आम जनता में जो बातें होती है वो एक मतलब परसेप्शन के आधार पर होती है। कई बार आप जब आप पत्रकार होने के नाते जब आप चीजों को देखेंगे समझेंगे तो कई बार ये लगता है कि नहीं, जो संदेश पहली बार पहुंचा वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि पहले शोर किसने मचाया जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो संदेश जो मैसेज जो आम लोगों में जा रहा है वो बिल्कुल सही हो, मतलब पक्ष विपक्ष दो चीजें होती हैं। तो वैसी स्थिति में जो मीडिया का रोल है और मेरे ख्याल से जो न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि पक्ष में कौन कौन से उसके मुद्दे जा रहे हैं, विपक्ष में कौन कौन से मुद्दे जा रहे हैं, हम उन सारी चीजों को जोड़कर जो एक समग्र रूप से कि ठीक है भाई फैक्ट क्या है ये बताना न्यूज डॉक्यूमेंट्री का ही है। सबसे जो चीज है डॉक्यूमेंट्री जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, आप उसमें किसी विवाद को हवा ना दें वो ज्यादा बेहतर है। जो सही चीज है आप दर्शकों पर छोड़ दें, जो सच्चाई है वो दिखाए और वो अपने वो अपने विवेक के आधार पर फैसला लेंगे क्या सही है क्या गलत है। आप जो संपादकीय एडिटोरियली आप जो है किसी नतीजे पर ना पहुंचे ये आपका काम नहीं है जी, क्योंकि आप जज नहीं हो सकते ना। आपका काम सिर्फ उस पूरे विषय पर जानकारी दे देना है, मतलब आप इसकी तुलना एक तरह से टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है उनका रुझान किसी की तरफ नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए है कि ठीक है आप जानिए कि तथ्य क्या है, बातें कैसे होती हैं जी। तो ये था न्यूज डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, न्यूज डॉक्यूमेंट्री अनडॉक्यूमेंट्री फिल्मों से कैसे अलग है? देखिए मतलब कोई हेयर लाइन आप इस तरह से बाउंड्री नहीं खींच सकते जी। जो सामान्य डॉक्यूमेंट्री का मतलब हुआ कि आप किसी विषय पर जो है वो आप छोटी फिल्म टाइप की बनाते हैं, एक तरह से लघु फिल्में ही होती हैं डॉक्यूमेंट्री। लेकिन सवाल है कि अब आपका मोटिव क्या है, आप किस उद्देश्य से बना रहे हैं, कमर्शियल है इंटरटेनमेंट है, या फिर जैसे कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ड्राई टाइप की भी होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका विषय वस्तु क्या है, आप किस चीज पर बना रहे हैं। आप हर जगह कोई ये जरूरी नहीं है कि जो लोगों को वो मनोरंजक लगे। अब आपके लिए चुनौती ये बन जाती है कि ठीक है हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे पेश करें लोगों के सामने जी। और सबसे बड़ी चीज हमको लगता है कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री के बारे में ये बात बताना ज्यादा जरूरी होगा कि आप कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक क्लासिफाई कुछ चीजें तो जान लीजिए कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री में नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे ख्याल से अगर आप ये देख रहे हैं कि क्या नहीं करना है तो हादसों के चांसेस कम जाते हैं। सबसे पहले तो चूंकि टेलीविजन जो है काफी सशक्त माध्यम है, आप अपनी आंखों के सामने हर चीज को देखते हैं उसके बाद जज करते हैं, तो कुछ चीजें ऑन स्क्रीन नहीं जानी चाहिए चाहे उसका खबर से कोई भी मतलब हो। जैसे हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे जी, हाँ बिल्कुल, हम विभत्स तस्वीरें नहीं दिखाएंगे चाहे वो कितने भी बड़े धमाके की बात हो। और जैसे नाबालिग अगर हमारा कोई भी ये है पात्र है जी। हम नाबालिग पात्रों को नहीं दिखाएंगे। बलात्कार पीड़ित या महिला से जुड़े जो अपराध हैं हम उनको नहीं दिखाएंगे। ये चीजें आपको शुरू में ही ध्यान रख लेना है जब आप डॉक्यूमेंट्री के लिए विषय वस्तु जब आप छांट रहे होंगे कि ठीक है ये हमारी तस्वीरें हैं ये हमारा मेटेरियल है। एकदम बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज की बातें मैं बता रहा हूं अभी। उसमें एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, एक जैसे मौत लाइव, अब पता नहीं इसकी कानूनी मान्यता क्या है आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि हम इसके सख्त विरोधी हैं। किसी भी कीमत पर मौत का तमाशा जो है आप नहीं दिखा सकते। ये हम इसलिए बता रहे हैं, पिछले कुछ महीनों पहले एक हादसा हुआ था मध्य प्रदेश में, एक परिवार जो था वो पिकनिक एंजॉय कर रहा था उसी समय फ्लैश फ्लड आ गया जी। तो उसकी तस्वीर जो है वो दिखाई गई,
और बहुत धड़ल्ले से चली, बार बार चली, क्योंकि वो सेंसेशनल लग रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए और किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रखें और मौत जो है किसी को मरते हुए, अगर हो सकता है वो संजो की बात हो, कैमरे उसमें कैमरा हो, लेकिन आप उसको नहीं दिखा सकते। मेरे परिवार के किसी आदमी के साथ वैसा हादसा हुआ तो क्या हम पसंद करेंगे कि हम उनको मरते हुए देखें? बिल्कुल नहीं। और इससे कोई मकसद हल नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट्रीज में ये चीजें जो सेंसेशन पैदा करने वाली चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। और रही बात जहां तक दिखाने का, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले दर्शकों को, क्योंकि आपका काम यह है कि आपका मैसेज जो है दर्शकों तक आसानी से पहुंचे, तो जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री का जो जिस्ट है, जो आप कहना चाह रहे हैं जी, आप सबसे पहले उसको एक ट्रेलर के तौर पर 1-1.5-2 मिनट में आप पहले दर्शकों को ये बता दें कि आप क्या बताने जा रहे हैं। आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री का मतलब जो है वो आधे घंटे के प्रोग्राम्स होता है टेलीविजन में जी। अगर आप एड और टाइम हटा दें तो 22-23 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होती है। आप उन 22-23 मिनट में 2-3 मिनट जो है आप पहले तो उस खबर को एस्टेब्लिश कीजिए, और हमेशा ये मान करके डॉक्यूमेंट्री में मत चलिए कि जो लोग देख रहे हैं उनको सब कुछ पता है। हो सकता है वो न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सारी खबरें छोटी में अलग 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 जगहों पर या अलग बार उन्होंने देखी, लेकिन अभी आप उन सब चीजों को एक साथ ला रहे हैं, आप उन बातों को सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं, तो अब आप उस पूरे घटना को एक कहानी के तौर पर दिखाएंगे जी। और उसकी जो शुरुआत होगी, आप शुरुआत के 2-3 मिनट में जो भी उसके फैक्ट हैं आप सबसे पहले आप उसको दिखा दें। जाहिर है टेलीविजन है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उस घटना से जुड़ी जितनी भी आपके पास अच्छी और बेहतरीन तस्वीरें हैं जो दर्शकों को खींच सकती है जी, क्योंकि हमारी मेमोरी हो या हमारी जानकारी हो या हमारे संदेश हो, वो सबसे बेहतरीन तरीके से तस्वीरों के जरिए पहुंचते हैं जी। तो अगर हम सबसे अच्छी तस्वीरों को हम सबसे पहले दिखाएंगे और फिर हम उसके बाद से जो हमारी कहानी है वो धीरे 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 आगे बढ़ेगी, फिर जो उसके तथ्य हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक आकर उसमें जुड़ते जाएंगे। लेकिन उसमें हम ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कवरेज है वो निष्पक्ष हो। हम पहले एक पक्ष की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे की भी बात सुनेंगे, उसके क्या लॉजिक है, उसके क्या रीजनिंग है, हम वो देंगे। फिर कई बार ये होता है कि जैसे हम न्यूज डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं उसमें कोई खास ऐसा पेज होता है जो आपको बताना होता है जी, तो उसके लिए आपकी जो है रिसर्च वो बेहतर होनी चाहिए। आप उसके बारे में कुछ एक एक्सपर्ट लोगों से बात करें, आप उनकी बाइट लें, ताकि कम से कम वो जो अंदर की जो चीज है वो निकल कर सामने आ जाए। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद से दर्शकों के मन में सवाल नहीं होने चाहिए, उसको ऐसा लग जाना चाहिए कि नहीं ठीक है इस विषय पर जो एक आम जानकारी है। आपकी डॉक्यूमेंट्री देख करके कोई PhD नहीं करेगा जी, लेकिन इतना तय है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री देख करके किसी आदमी का कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर क्लियर हो जाना चाहिए कि घटना क्या थी, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री देख के समझ में आ जाए कि किस इशू पे बात हो रही है और क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे आप FBI के ही मसले में लीजिए, बार बार जो है वो बात ये चल रही थी कि जब FBI देश में आएगा तो जो छोटे जो हमारे किराने के जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, वॉलमार्ट आएगा वो सारे जो बिजनेस को हड़प जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ट्रेडर्स जो है वो कहाँ जाएंगे, 10 तरह के सवाल हैं। और जाहिर है कि लोगों की रोजी रोटी और इन समों से जुड़ी हुई चीज है तो उनका कंसर्न है। तो ऐसे में एक आप आम आदमी से पूछेंगे कि वॉलमार्ट क्या है, वो चेन जो है वो कैसे चलाता है, रिटेल चेन जो है वो कैसे काम करते हैं, और जब वो देश में आएगा तो बाकी कितने शहरों में आएगा, क्या सारे हमारे लाला की दुकान जो मेरे गांव की है वो भी खत्म हो जाएगी, एक छोटा व्यापारी जो एक छोटी सी परचून की दुकान किसी कस्बे में चला रहा होगा ये खबर उसके कंसर्न की भी है। लेकिन ये खबर उसके कंसर्न की भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट टाउन और स्टेट कैपिटल में जैसे पटना, लखनऊ, भोपाल के जो आपकी उम्र के जो नौजवान हो जो फॉरेन ब्रांड के रिबॉक और नाइक पहनते हो, उनके लिए भी कंसर्न की चीज हो जाती है कि क्या रिबॉक मेरे शहर में आएगा। कहानी के दो पक्ष है ना, तो ऐसी चीज में जो है वो आपका जो रिसर्च है वो इस टाइप का होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो वॉलमार्ट या उस टाइप के और भी जो रिटेल जो चेन चलाते हैं आप उनमें से किसी का एक के बारे में आप पूरी कहानी बताएं,
ये बताएं कि ठीक है, वॉलमार्ट की शुरुआत कैसे हुई, पश्चिमी देशों में ये जो चेन है वो कैसे काम करते हैं, उनका बिजनेस टर्नओवर ये कैसे होता है, वहां के मार्केट पर इसका क्या असर पड़ा, अभी हमारे देश में जो मार्केट का जो वर्तमान कंडीशन है वो क्या है, जो हमारे उत्पाद होते हैं उसमें कितना जो किस लेवल के व्यापारी का, कितने बड़े कारोबारियों का जो है वो कितने कितनी हिस्सेदारी है, अगर वॉलमार्ट आएगा तो उसमें से कितने हिस्से पर असर पड़ेगा जी, सामान्य कंज्यूमर को क्या मिलेगा, रिटेलर्स का क्या होगा, जब तक आप एक एक चीज समझाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूज जब आती है तो न्यूज में ये पीछे की कहानी नहीं आती। और जाहिर है कि मिसाल के तौर पर आप ये मानिए कि सरकार इस चीज को ले आना चाह रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो वहां से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे वो तो दोनों ही बायस्ड होंगे। बिल्कुल, सरकार चूंकि ले आएगी तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो उसकी तारीफ करे, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है तो जाहिर है हो सकता है विरोध विपक्ष जो उसके कई खूबियों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन आप चूंकि उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो ये अब जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है कि आप बता दें कि ऐसी ऐसी स्थिति में ये बातें हैं, ऐसी चीजें होंगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको निष्पक्ष बनाकर बताएं सामने। और उसके लिए जरूरी है कि आपको रिसर्च करना होगा, आपको ये बातें बतानी होंगी कि लोगों के मन का वो जो भ्रम है वो खत्म हो जाए कि ठीक है रियल जो स्थिति है वो क्या है। जी अच्छा, ये भारतीय समाचार चैनलों में न्यूज डॉक्यूमेंट्री को कितना स्थान मिलता है और इनका क्या भविष्य है? अब देखिए, कुछ चीजें जो हैं आप हर चीज को सेंटीग्रेड, थर्मामीटर, फारेनहाइट में नहीं नाप सकते। जी और सवाल है कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज है कि आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, खास करके अब जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें, जब मीडिया इतना जागरूक है और हर चीज पर लोग जो है वो उत्सुक हैं और मीडिया जो है वो लोगों को बताने को भी उत्सुक है, कोई खबर अब दबती नहीं है, तो जब घटनाएं ज्यादा होंगी, एक तो कि अपना मार्केट कंपटीशन है तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। ये अलग बात है कि देखिए, डॉक्यूमेंट्री को आप न्यूज से अलग नहीं कर सकते, ये दिखाने की विधा है और ये फाइनली एक तरह का एडिटोरियल फैसला होता है मीडिया चैनलों में कि हम किन चीजों पर, किस खबर पर हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, और वहां पर जो है वो तो पर्सनल परसेप्शन काम करता है कि हम इस खबर को पैकेज के रूप में चलाएंगे, हम इस चीज को कितना वक्त कितना दे रहे हैं। जैसे अब डिस्कशन है तो आजकल डिस्कशन की विधा जो है वो ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, तो वो बदलता रहता है। रही बात है डॉक्यूमेंट्री के भविष्य की, तो वो बड़ा उज्जवल है और ये सब ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि जिन पर कभी सवाल नहीं उठ सकता। लोगों को जब तक न्यूज की जरूरत पड़ती रहेगी, न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहेंगी, तो ये सिलसिला भी मतलब ये चलेगा, मेरे ख्याल से बढ़ना ही चाहिए, नीचे जाने की कोई गुंजाइश ऐसी नहीं दिख रही, क्योंकि जो सीरियस व्यूअर्स हैं और जो भी जो अच्छे मीडिया ग्रुप होंगे वो चाहेंगे कि हम लोगों को जब भी खबरें दें, जब जानकारियां दें, तो हम बड़े पैमाने पर दें और अच्छे से कम जिसको आप कहते हैं कि सिस्टमेटिक जो है इंफॉर्मेशन आप न्यूज डॉक्यूमेंट्री में देते हैं। जी दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, न्यूज डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ डूज और डोंट्स पे खासकर आप हमें बताएं कि क्या करें और क्या ना करें? देखिए, कुछ चीजें तो इसकी अभी हम जैसे बता चुके, खासकर तस्वीरों में कि जो विजुअल को लेकर के आपको जहां सतर्क रहना चाहिए, जहां तक करने की बात है कि आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम इसमें किन किन चीजों को दिखाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि कई बार आप दो तरीके हैं इसके, एक तो कि आप डॉक्यूमेंट्री के बारे में विजुअली सोचें जी। अगर मान लीजिए कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें विजुअल्स बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ विजुअल्स है आपके पास, इसका बहुत अच्छा जो उदाहरण है वो आपको अन्ना आंदोलन से मिल जाएगा, जो पिछले 7-8-10 के, अब तो एक साल होने को आया पिछले साल जंतर मंतर से ले, तो उसमें कि देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के विजुअल मिले, या फिर विजुअल्स ऐसे मिले हैं जिसको आप दिखाना चाहेंगे, पब्लिक भी देखना चाहती है। अब आप देखिए कि जैसे राजघाट में अन्ना बैठे हों, रामलीला मैदान की जो तस्वीरें थी, तिहाड़ जेल के सामने की जो तस्वीरें थी, इंडिया गेट पर रात में जो जुलूस, मशाल जुलूस जो निकला, ये हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरह के आंदोलन, इस तरह के विजुअल है। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आपके पास मतलब विजुअली आप रिच कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं।
तो इस तरह के जो हैं आप लाजवाब दृश्य, उसमें होता है एक और भी चीज है कि आप क्योंकि अन्ना की बात चल रही है तो आपको याद होगा अन्ना जब गए थे राजघाट पे रामलीला मैदान में जाने के पहले जी, तो वो चंद कदम दौड़े थे जी, ठीक है, तो वो टेलीविजन के लिए वो एक बहुत ही सेलिंग एलिमेंट है। आप इतने बुजुर्ग को बच्चों की तरह बारिश में दौड़ते हुए देखते हैं और अन्ना चूंकि कुछ भी तो एक व्यक्तित्व है, एक शख्सियत है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है जी, तो अन्ना बाकी सारे काम कर रहे हैं, उनके और सारे जो दूसरे विजुअल हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अन्ना जो है वो बारिश देख करके बच्चों की तरह भागने लगे, इसको हर कोई देखना पसंद करेगा। तो इस तरह के जो यूनिक विजुअल्स हो आप अपने दर्शकों को शुरू में ही दिखा दें जी, बाद आएगा उसका तब हम उन चीजों को फिर एक बार दिखाएंगे, वो एक अलग बात है। इससे होता यह है कि दर्शक जो है थोड़ा सा बंध जाता है, उसको इस बात की थोड़ी सी मतलब जो है वो अंदर में उत्सुकता जगती है, अच्छा इन चीजों को दिखाना दिखाया जाने वाला है अभी, ठीक है। तो दर्शकों को बांधने का, चूंकि देखिए ये फिल्म नहीं है ना कि आप लोगों के मनोरंजन के लिए आप डायलॉग्स खुद से अपने मुताबिक लिखते हैं, आप एक विषय वस्तु से हट करके आपके पास जो बाइट्स होंगी जो एक्सपर्ट कहेंगे आप, ये इंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो उन चीजों में आपको मतलब जो भी उपलब्ध जो आपके पास साधन है उसमें से जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं आप उनको पहले खींचे, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो भी विजुअल्स जी, जितने आपके पास बेहतरीन विजुअल हैं आप दर्शकों को पहले दिखाएं, क्योंकि आप तभी दर्शक को बांध पाएंगे और बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्री का इम्पैक्ट अच्छा जाएगा जी, कि आप ये, क्योंकि देखिए अच्छे विजुअल्स का मतलब है कि जब तक घटना अच्छी नहीं होगी या बड़ी नहीं होगी तब तक अच्छे विजुअल्स नहीं मिलेंगे। देखिए माफ कीजिएगा, टेलीविजन में अच्छे विजुअल्स का भाषा कई बार तबाही के तौर पर भी होता है, तो वहां पर हम सामान्य अच्छे बुरे से मतलब वहां नहीं रखते। जैसे मान लीजिए अब जयपुर के ही तेल टैंकर वो जो था जिसमें आग लग रही थी, टेलीविजन के लिए वो बहुत अच्छे विजुअल थे जबकि घटना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी जी। तो मेरा मतलब है कि जो विजुअली टीवी के लिहाज से जो अच्छे विजुअल्स हों आप उनको पहले लें, ताकि जो दर्शक है वो अपने आप में मतलब उससे जुड़ा हुआ, उससे इंप्रेस्ड महसूस करे कि ठीक है हम ये इन बातों को कवरेज मिल रहा है। फिर आप अपनी जो कथा वस्तु है आप उसको धीरे 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 करके आगे बढ़ाइए जी। तो उसमें आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि आप एक लिस्ट कर ले। हाँ देखिए अट्रैक्टिव विजुअल्स का मतलब वही है कि आप देखिए यहाँ पर शब्दों का चयन बड़ा अहमियत रखता है, अट्रैक्टिव हम नहीं कर सकते, बेहतर है कि अगर आप निष्पक्ष शब्द चुने तो पावरफुल विजुअल्स, पावरफुल विजुअल्स टेलीविजन की भाषा जी, मतलब वो विजुअल अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है लेकिन वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और ये पावरफुल विजुअल्स जो होते हैं वो आपके टूल्स हैं, लेकिन हम इसमें यही सलाह यही देंगे कि आप इसके जरिए सनसनी ना फैलाएं, ठीक है। कई बार जो है वो पावरफुल विजुअल्स दर्शकों को दिखाना पड़ता है, वो घटना ऐसी होती है उसकी अपनी अलग अहमियत है। आखिर जो सूचना क्रांति जो आई है टेलीविजन का जो महत्व है वो यही तो है कि आप किसी भी घटना को होते हुए अपनी आंख के सामने देख सकते हैं जी। लेकिन अब हमने जो कहते हैं कि हर जगह जो है वो अपवाद होते हैं, हर जगह कुछ चेक्स होते हैं, कि देखने का मतलब अब सब कुछ देखना नहीं है। अब कई बार होता है कि सुरक्षा कारणों से कुछ साल पहले जब दिल्ली में धमाके हुए थे तो जिस बच्चे ने डस्टबिन में बम रखने वाले को देखा था जी, और उस बच्चे को टेलीविजन पर लाइव लोगों ने लिया। ऐसा एक और विवाद हो चुका है कि जब ऑपरेशन चल रहा था नेहरू पॉइंट पर 26/11 में, तो चौपर से जब हमारे कमांडोज वहां पर उतर रहे थे तो मीडिया लाइव काटे हुई थी। इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है जी। कई विजुअल्स जो होते हैं वो आम लोगों के लिए नहीं होते, हमें गोपनीयता बना, हाँ गोपनीयता नहीं, और उनके अपने अलग महत्व है जी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी, कोई आदमी जो है संजोग से जब उसकी मौत हो रही हो तो कैमरा उसमें चल रहा हो, लेकिन उसके मौत के विजुअल्स के हमारे और आम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व है साक्ष्य के तौर पर है, सबूत के तौर पर है, जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन के तौर पर है, वो आम लोगों के लिए टेलीविजन पर दिखाए जाने के लिए उसका कोई महत्व नहीं, आम आदमियों के लिए बिल्कुल। तो ये संपादकीय जब आप फैसले ले रहे हो तो आपको इन चीजों को समझना होगा कि कौन सी तस्वीरें हैं जो पावरफुल होने के बावजूद भी आम दर्शक के लायक हैं या नहीं है।
क्योंकि आप एक ऐसे गेटवे पर हैं कि आपने दिखाया, उसके बाद से फिर वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जी, तो वैसी चीजों का मकसद होना चाहिए। तो न्यूज डॉक्यूमेंट्री में, मतलब नो डाउट कि ये न्यूज में भी ये बात लागू होती है, लेकिन न्यूज डॉक्यूमेंट्री के समय ये जो है, मतलब इन बातों पर अच्छे से गौर करना चाहिए। क्योंकि आप यहां पर ये नहीं कर सकते कि ये जल्दबाजी में था, फैसला हम नहीं ले पाए, या दिमाग में ये बात नहीं आई। जब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप डॉक्यूमेंट्री तब बनाते ही हैं जब आपको उस पूरे विषय पर पूरी पकड़ होती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो सारी चीजें हैं, इतनी बातें तो जानी ही चाहिए। जी, न्यूज डॉक्यूमेंट्री के लिए विषयों का चयन कितना मतलब जरूरी है, और हमें किस बातों पर ध्यान देनी चाहिए, खासकर जब विषय का हम चयन करते हैं तो? देखिए, कुछ चीजें जो है वो हवा पानी की तरह क्लासिफाई नहीं हो सकती। जी, ठीक है, वही जो हाल है वो कुछ खबरों को लेकर के भी है। अब जैसे देखिए कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री मेरी समझ में कितनी चीजों पर बन सकती है। माओवाद की समस्या है अभी, तो विदेशी नागरिक है, वो अपने आप में अच्छा स्ट्रांग जो है वो घटना है। अब अभी अन्ना का कल अनशन हुआ जी। आप उस पर न्यूज डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि अब जैसे पिछले साल याद कीजिए कि इंग्लैंड के राजकुमार की शादी थी जी, प्रिंस की जी, वो अपने आप में न्यूज डॉक्यूमेंट्री का विषय था। ठीक है, अलग बात है कि अब कहीं राजा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक किंवदंती जो चलती आ रही है, एक ऐसा साम्राज्य जिसके राज्य में कभी मतलब सूर्यास्त नहीं होता था, या फिर ऑलरेडी मतलब जो कॉमनवेल्थ है, ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर वो गुलामी वाली बात नहीं है, यहां पर वो दिमाग, चूंकि सबके दिमाग में परसेप्शन था कि ब्रिटेन का सम्राट क्राउन, और मतलब उस घर में अगर शादी हो रही है तो दुनिया देखना चाहेगी कि अच्छा आज की तारीख में वो शादी कैसे हो रही है। उसी तरह से आप देखिए, जैसे पेट्रोल के दाम, वित्त मंत्री ने कहा कि वो कड़े फैसले ले सकते हैं। आमतौर पर कड़े फैसले का जो मतलब, वो मतलब सारी कड़ाई जो है वो तेल पर ही निकलती है। तो अगर मान लीजिए कि ये फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो आम आदमी जो है वो आखिर जानना चाहेगा ना कि आखिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं जी, कैसे रेगुलेट होती हैं, पेट्रोल के घाटा का चक्कर क्या है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास इस बात का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट हो कि ये इंटरनेशनल मार्केट से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेंट की कीमत कैसे जो है अप डाउन हो रही है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस क्या है, आप जो है वो कितना हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आपकी जो है ऑयल नीड्स क्या है। तो इन सारी, वो तो सिर्फ यही जान रहा है कि हम पहले, आज से 2 साल पहले हम 50 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, अब हम 70 रुपए में खरीदते हैं जी। और या फिर सरकार जब बयान जारी करेगी तो वो सिर्फ एक बयान जारी करके कीमतें बढ़ा देंगी। अब यहां पर जो है वो न्यूज की जो है मतलब न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज की भूमिकाएं होती हैं कि वो इन चीजों के पीछे के सारी बातों को क्लियर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। मतलब हम एक ऐसा विषय चुने जो आम जनता से जुड़ा हो। बिल्कुल, क्योंकि मतलब अगर लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, और मतलब वो आप कहिए कि कोई मकसद वो पूरा नहीं कर पाया। तो सबसे पहले देखिए, यही बात है कि न्यूज पहले आती है, न्यूज डॉक्यूमेंट्री बाद में बनती है जी। आप पहले देख लेते हैं कि ठीक है, इस विषय से जुड़ी कितनी खबरें आ रही हैं जी। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इतने ज्यादा पहलू हैं, जैसे अब हम थोड़ी देर के लिए उस ब्रिटेन के राजकुमार की शादी पर ही चलेंगे, तो बेशक हम सात समंदर पार हैं, लेकिन जब खबरें आ रही थी तो उसके पहले शादी की तैयारी की आई, ड्रेस डिजाइनिंग की आई, सारे कौन कौन मेहमान होंगे गेस्ट लिस्ट की आई, और जो है वो ड्रेस कैसे तैयार हो रहे हैं, उसका कवरेज, मीडिया कवरेज कैसे दिया जाएगा, कौन कौन से खास मेहमान होंगे। तो जब आप देख रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने पहले से ही एक एक पहलू पर अलग अलग खबरें आ रही हैं, फिर जिस दिन इवेंट हुआ, तो न्यूज डॉक्यूमेंट्री बाद में आती है। इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो फैसला करने का हमको लगता है वो व्यावहारिक है। आप नजर रखिए किसी खबर पर, देखिए कौन से तथ्य से जुड़ी या कौन सी घटना से जुड़ी, बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं और अलग अलग आस्पेक्ट की खबरें आ रही हैं, तो जाहिर है जब लग जाएगा कि नहीं नहीं अब इसमें आपके पास अच्छा खासा जो है वो कच्चा माल हो गया है, तो इसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में आप पेश कर दीजिए जी। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, न्यूज डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च कितना महत्वपूर्ण है? ये कह सकते हैं कि रिसर्च ही न्यूज डॉक्यूमेंट्री की रीढ़ है जी। बगैर रिसर्च के तो आप सिर्फ जो है एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि यहां पर ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। न्यूज डॉक्यूमेंट्री का जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ढांचा जो है वो रिसर्च पर ही टिका होता है जी। जैसे आप कंक्रीट के पिलर्स डालते हैं, फिर आप उसके लिंटर डालते हैं, जो मकान का ढांचा खड़ा हुआ वो तो आपका रिसर्च है।
और जो आप फिर उसकी रंगाई पुताई और जो खिड़की दरवाजे जो आप उसमें लगाते हैं वो न्यूज के रूप में खबरें आपके पास आ रही होती हैं। तो पूरी जो न्यूज डॉक्यूमेंट्री है वो तो रिसर्च पर ही टिकी है और आपको उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब पूरा ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप उस पर थेसिस लिख दीजिए, एक आम समझ जो होती है आपको उस मुद्दे पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, बगैर उसके आप डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते। या मतलब आप कहें तो कि आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो है वो छूट जाएंगी। तो मेरी सलाह जो है ये एक, चूंकि देखिए पत्रकार जो होते हैं मीडिया के फील्ड में एक्सपर्ट तो होते नहीं है, वो जो एक पुरानी कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात होती है जी। हम किसी एक विषय के जो है हम ये नहीं कर सकते कि नहीं ये फिल्मों की खबर है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें ग्लैमर का आइडिया नहीं है। और कल होकर के क्रायोजेनिक इंजन जो है वो हिंदुस्तान में अगर शुरू होगा तो आप कहेंगे हम साइंटिस्ट थोड़े हैं, क्रायोजेनिक इंजन हम लोगों को कैसे बताएंगे। आपको बताना तो सारी चीजें हैं, तो इसमें जो है आप मध्यस्थ की भूमिका जो है आप जो है मतलब चीजों को आसान बना करके लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये इतनी मेहनत जो है वो तो न्यूज डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को करनी होगी कि आप उसके पहले जो है पूरा रिसर्च करें, उस चीज को समझ लें कि ठीक है मुद्दा क्या है, मसला क्या है, और आप उस बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए, 5 लोगों से मिलेंगे तो खुद जो है वो चीजें जो है उसके पीछे की कहानी जो है वो समझ में आएगी। न्यूज डॉक्यूमेंट्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब न्यूज तो है ही, लोग को जानकारी मिल ही रही है न्यूज से, लेकिन फिर भी एक न्यूज डॉक्यूमेंट्री जो एक खासकर मतलब कि न्यूज डॉक्यूमेंट्री में हम पूरे न्यूज का आकलन दिखाते हैं शुरू से लेकर अंत तक का, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है न्यूज डॉक्यूमेंट्री की? अब देखिए ये तो मीडिया की जिम्मेदारी है, जो मीडिया है उसका एक अहम रोल है खास करके आज की स्थिति में। तो जब आप देख रहे होते कि किसी एक ही विषय पर कई तरह की बातें आ रही होती हैं तो एक आम आदमी जो है, अब देखिए आप ये बात तो लागू नहीं कर सकते ना किसी पर कि अखबार पढ़ना आपकी बाध्यता है या टीवी देखना आपकी बाध्यता है। सामने वाले को अगर अच्छा लगेगा तो वो पेपर पढ़ेगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वो टेलीविजन देखेगा जी। लेकिन आमतौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो देखना चाहें हम उनके लिए खबरों को प्रसारित करते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक बिंदु पर, एक घटना पर या एक विषय पर जब बहुत सारी और तरह तरह की चीजें अगर आती हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऐसी नई है जिसके बारे में हम आम लोगों से ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि उनको सब कुछ पता हो, तो हमारा काम मतलब हमारा इन द सेंस की मीडिया का काम ये है ना कि सूचनाओं को सिस्टमेटिक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए जी हाँ। तो वैसे में ये जो जिम्मेदारी है वो आपको न्यूज डॉक्यूमेंट्री की तरफ ले जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है टेलीविजन पर आमतौर पर 1.5 मिनट 2 मिनट में दिखाई जाने वाली जो खबर है वो पर्याप्त नहीं है, हम उसमें उसके साथ बिल्कुल हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, हमको ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप इसके लिए फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जी। न्यूज डॉक्यूमेंट्री लेखन के दौरान हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, तो लेखन पे खास देखिए लेखन तो आप कोई भी चीज जब आप लिखें और जब वो लोगों के बीच में जानी है जिसकी कोई सीमा आप अपनी ओर से नहीं कर सकते और आप इस तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं ये बात 8वीं क्लास के लड़के के लिए नहीं था, ये तो ग्रेजुएट वाले समझेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अब कुछ वेल डिफाइंड जो है मतलब इस तरह की चीजों की परिभाषा नहीं होती, लेकिन भाषा में दो चीज, एक तो कि जाहिर है कि भाषा आसान होनी चाहिए कि कोई भी अगर कम पढ़ा लिखा आदमी हो जी। वो समझ जाए। जैसे देखिए कि अगर आप अभी से हमारे समाज में जो 2 जनरेशन पहले के लोग हैं, जब हर आदमी साक्षर नहीं है वो अखबार नहीं पढ़ सकता लेकिन टेलीविजन देख सकता है, टीवी और अखबार का जो है क्योंकि आप इसमें आपको सुनना होता है, इस बात की कोई आपके साथ लाचारी नहीं होती कि आप न्यूज तभी समझेंगे जब आप खबर को पढ़ें जी। तो ये जो खूबी है वो टेलीविजन को अखबार से अलग करती है कि इसमें निरक्षर आदमी जो है वो भी टेलीविजन से जानकारी ले सकता है लेकिन एक निरक्षर जो है वो अखबार नहीं पढ़ सकता। तो भाषा जो है वो आपकी बड़ी ही सरल होनी चाहिए, आम जो लोग हैं उनसे जुड़ी, कई बार ऐसा होता है कि आप उसको सरल में कोई चीज नहीं लिख सकते, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टेक्निकल टर्म जो है वो आपको उसमें देना पड़ गया
अब जैसे मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि मेडिटेरियन सी में या मैक्सिको के आसपास जो है टोर्नेडो आ गया, तो आप टोर्नेडो लिख दीजिए जी, क्योंकि आया तो टोर्नेडो ही है जी। लेकिन इसके बाद आप एक लाइन टोर्नेडो को समझाने में भी जरूर, मतलब कि भाषा हमारी ऐसी हो कि लोग को समझ में आ जाए, और अगर बीच में कोई ऐसी चीज हो जो समझ में ना आ रही है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। डॉक्यूमेंट्री में यह सुविधा आपके पास होती है जी। दीपक जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को न्यूज डॉक्यूमेंट्री के बारे में इतना कुछ बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।